हेलो फ्रेंड्स दिस इज सी अतुल मित्तल ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकनॉमी फॉर आइस फिल्म एग्जाम फ्रेंड्स आज हम देखेंगे बारवेल स्ट्रेटजी देखिए इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही वर्ड यूज हो रहा है बारवेल स्ट्रेटजी क्या है तो देखिए फ्रेंड्स आपने ये बारवेल देखा होगा जिम में आप जाओगे लोग एक्सरसाइज करते हैं वेट लिफ्टिंग में यूज करते हैं देखिए बारवेल तो देखिए दो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है बारवेल में आप देखिए एक एक्सट्रीम लेफ्ट है और एक एक्सट्रीम राइट है तो देखिए ये जो बारविल स्ट्रेटजी है ये फाइनेंस में यूज होती है फाइनेंशियल मार्केट में जैसे सपोज आपके पास दस लाख रुपए है आपके पास टेन लैक्स रुपये है आपने टेन लैक्स वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट दस लाख आपने यहां पे इन्वेस्ट कर दिए वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें आपने लगा दिए या आपने फिक्स डिपोजिट कर दिए है एफ कर दी और एक आपका फ्रेंड है उसने क्या किया दस लाख रुपये शेयर मार्केट में लगा दिए आप कह रहे हो मुझे तो पांच परसेंट इंटरेस्ट मिला है वो कह रहा है मुझे तो बीस परसेंट पैसे कमा लिए आपने भी कहा कि अरे यार मुझे तो नुकसान हो गया आपने दस लाख रुपए यहां लगा दिए शेयर मार्केट में शेयर मार्केट क्रैश हो गए आपके पैसे डूब गए तो बारवेल स्ट्रेटजी कहती है कि आप देखिए दोनों साइड इक्वल वेट लेके चलिए यानी पांच लाख रुपये आप इधर इन्वेस्ट कीजिए और पांच लाख इधर इन्वेस्ट कीजिए इससे आप क्या है कि जो रिस्की असेट है उन पर जो रिटर्न है उसका बेनिफिट भी ले सकते हो और अगर ये डूब गई तो आपके पास क्या है सेफ रिटर्न भी है तो बारवेल स्ट्रेटजी बैलेंस अप्रोच लेके चलती है इसी तरह अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड में ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है आपके पास दस लाख रुपए है तो पांच लाख आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड में यूज इन्वेस्ट कीजिए और पांच लाख आप लॉन्ग टर्म में जो मिड टर्म वाले मिड टर्म वाले बॉन्ड है उनको आप इग्नोर कर दीजिए यानी ये जो जो मिड टर्म है इसको आप इग्नोर करके चलिए तो ये स्ट्रेटजी फाइनेंशियल मार्केट में यूज होती है अब कोरोना कोविड नाइनटीन पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बारवेल स्ट्रेटजी यूज की तो बारवेल स्ट्रेटजी में गवर्नमेंट ने क्या किया सबसे पहले जो पुअर पीपल थे वनरेवल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उनको फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम दिया सेफ्टी नेट क्रिएट किया एमएसएमई जो बिजनेस की बैकबोन है एमएसएमई को लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जब वो सारी चीजें हो गई फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए वैसे वैसे गवर्नमेंट क्या किए पैकेज अनाउंस करती गई वैसे वैसे गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस करती गई जैसे जैसे स्पेसिफिक चैलेंज आते गए ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ने 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर डेवलप किए पिछले दो साल में जैसे आपका कितने कितना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है कितने ई वे बिल जनरेट हो रहे हैं कितनी पैसेंजर कार की सेल हुई है कितनी ट्रैक्टर की सेल हुई है कितनी टू व्हीलर की सेल हो रही है कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है कितना रेलवे फ्रेट है एयरपोर्ट और आपका एयर पैसेंजर एयर पैसेंजर इनकम कितनी है तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जा रही थी वैसे वैसे गवर्नमेंट क्या है पैकेज अनाउंस करती जा रही थी तो गवर्नमेंट ने यह बारबल स्ट्रेटजी यूज की कोविड पेंडेमिक के लिए तो देखिए फ्रेंड्स आगे डिटेल में देखते हैं बारबेक स्ट्रेटजी सेफ्टी नेट एंड एजाइल तो बारवेल स्ट्रेटजी दैट कंबाइंड बुकेट ऑफ सेफ्टी नेट टू द इम्पैक्ट ऑफ वेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बीन दिस विद ए फ्लैगजिबल पॉलिसी रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन बेसियन अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन तो बारवेल स्ट्रेटजी में क्या है इन्होंने सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया पहले और फिर उसके बाद फ्लैगज पॉलिसी रेस्पॉन्स लेते गए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अब एक वर्ड यूज रहा अजायल रेस्पॉन्स अजायल अप्रोच और वाटरफॉल अप्रोच दो अप्रोच होती है अजायल और वाटरफॉल अप्रोच देखिए जो इंडिया में फाइव ईयर प्लान बनते थे पहले और जो मास्टर प्लान बनते हैं वो वाटरफॉल अप्रोच में बनते हैं वाटरफॉल अप्रोच में क्या होता है कि हम शुरू में ही इनिशियल लेवल पर ही पूरी प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं इंप्लीमेंटेशन करते हैं और रिजिड इंप्लीमेंटेशन होता है फिर कोई चेंज नहीं होता कि एक बार आपकी पॉलिसी बन गई वो पॉलिसी आपको फॉलो करनी है अजायल अप्रोच में क्या होता है कि जो आप जैसे आप कोई ऐप डेवलप करते हो ऐप डेवलप करते हो जैसे जैसे आप ऐप डेवलप करते जाते हो आप फीडबैक लेते जाते हो कस्टमर से आपको पता चलता रहता है इसमें ये प्रॉब्लम है फिर आप चेंजेस करते रहते हो तो अजायल अप्रोच जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में यूज होती है तो गवर्नमेंट ने अजायल अप्रोच यूज की जो 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है उसके बेसिस पर गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन आती थी कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है कहां जा रही है क्या पॉलिसी रेस्पॉन्स की जरूरत है और गवर्नमेंट ने उसके बेसिस पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी एक्शन लिए डिसीजन लिए तो थैंक यू फ्रेंड्स आपको बारवेल स्टेट जी पसंद आई हो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए फर्दर हमने आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जीएस इकोनॉमी का आपको कोई चार्ज नहीं देना क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुक हम इसमें कवर करेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है आइए सेल्फ स्टडी डॉट कॉम पर आपको इस नंबर पर जाके केवल रजिस्ट्रेशन करना है कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं है वन मंथ में आपकी हम इकोनॉमी कवर करा देंगे प्रिलिम्स की इकोनॉमी है प्रिलिम्स में आपको इकोनॉमी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी थैंक यू फ्रेंड्स